नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा रेलवे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चले कि अभी हाल ही में रीवा रेलवे स्टेशन में इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा था। ये कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस काम के बाद रीवा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की क्षमता भी अब आसानी से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पहले रीवा रेलवे स्टेशन में सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म थे। इस वजह से जो ट्रेनें हफ्तों के एक दिन चल रही थी या फिर जो ट्रेनें हफ्तों के तीन दिन चल रही थी, इन ट्रेनों को परमानेंट नहीं किया जा रहा था, प्रतिदिन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि परिचालन में समस्या होती। लेकिन अब सभी प्रकार की समस्या जो है वो दूर हो गई है। आप सभी के जो इतने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे कमेंट में आते हैं, इनमें से कुछ सुझाव ऐसे थे जिनको हमने आगे साझा किया है, जिसमें पहला सुझाव जो था वो है रीवा से श्री माता वैष्णो देवी के लिए नई ट्रेन की जो मांग हमारे कमेंट सेक्शन में बिंदुवासी कई महीनों से करते आ रहे हैं। इस मांग को हमने हमारे रीवा के रेल यात्री जन कल्याण संघ के जो माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद शिवनानी जी, इनसे साझा की थी। और आपको बताते चले, रेल यात्री जन कल्याण संघ रीवा के जो माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद शिवनानी जी, इनसे आग्रह किया गया कि रीवा से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक सीधी ट्रेन की सुविधा हमारे बिंदुवासियों को उपहार के रूप में उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में जो ट्रेन चलती है, जो कि हफ्तों के तीन दिन चलती है, इस ट्रेन को हफ्तों के सातों दिन इस ट्रेन का परिचालन हो और इस ट्रेन की समय सारणी संशोधन किया जाए। आपको बताते चलें कि रेल यात्री जन कल्याण संघ के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद शिवनानी जी, इनके द्वारा रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर ट्रेन के समय सारणी को लेकर आग्रह किया गया था, जिस पे बताया गया था कि गाड़ी संख्या 11703 11704 रीवा इंदौर एक्सप्रेस को रीवा से प्रस्थान समय में परिवर्तित किया जाए और इस ट्रेन को शाम को 7:30 बजे का समय तय किया जाए, यानी कि 7:30 बजे इस ट्रेन को रीवा से इंदौर के लिए रवाना किया जाए, ताकि यह ट्रेन दूसरे दिन सुबह 11 बजे इंदौर पहुँच जाए। क्योंकि बताया गया कि वर्तमान समय में ये ट्रेन रात में 11:30 बजे रीवा से रवाना होती है, जो कि दूसरे दिन 3-4 बजे के आसपास इंदौर पहुंचती है। इस वजह से आमजन को असुविधा हो रही है। ये आग्रह किया गया था हमारे रीवा के जो रेल सलाहकार हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा। रेलवे की तरफ से जो जवाब आया था वो बताया गया कि गाड़ी संख्या 11703 04 रीवा इंदौर एक्सप्रेस की समय सारणी रीवा एवं इंदौर क्षेत्र में उपलब्ध परिचालनिक सुगमता एवं यात्री सुलभता के अनुरूप परिवर्तित की जा चुकी है। प्रस्तावित समय के साथ इस गाड़ी की समय सारणी रीवा से लेकर इंदौर तक के स्टेशनों की समय सारणी तथा रीवा एवं इंदौर क्षेत्र में परिचालनिक दृष्टि से संभव नहीं है, यानी कि मना कर दिया गया है कि रीवा इंदौर जो ट्रेन है, इस ट्रेन की जो समय सारणी है वो अभी नहीं बदली जाएगी, शायद ट्रेन ट्रैफिक के वजह से। अभी हाल ही में रेल यात्री जन कल्याण संघ रीवा के जो माननीय अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद शिवनानी जी, उनसे हमने आग्रह किया था कि रीवा से श्री माता वैष्णो देवी के लिए एक सीधी रेल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, आप सभी को अवगत कराते चले। रेल यात्री जन कल्याण संघ रीवा के माननीय अध्यक्ष जो हैं प्रकाश चंद शिवनानी जी, इनके द्वारा एक पत्र उन्होंने रेलवे को लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि रीवा से अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा दी जाए, जो कि रीवा से सतना, बांदा, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, लुधियाना, ब्यास के रास्ते अमृतसर तक चलाई जाए। बताया गया है कि जैसे कि लुधियाना एवं अमृतसर व्यापार के बहुत बड़े केंद्र हैं, जहां पर गर्म कपड़े, मशीनरी, लोहा एवं स्पोर्ट आइटम का बहुत बड़ा व्यापार होता है, जिसके कारण पूरे विंध्य से काफ़ी संख्या में व्यापारियों को इन दोनों शहरों से आना जाना बना रहता है, एवं पंजाब के अमृतसर में विंध्य क्षेत्र से सिख एवं पंजाबी समाज की काफ़ी रिश्तेदारियां हैं। साथ ही व्याज स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र है, जो कि बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, जिसके लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन व्यास तक यात्रा करते हैं। बताया गया कि विंध्य क्षेत्र से अमृतसर के लिए डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आग्रह किया गया है भारतीय रेलवे से कि रीवा से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिससे रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, साथ ही आमजन को अमृतसर तक सीधी रेल यात्रा का फायदा होगा। साप्ताहिक की डिमांड की गई इस ट्रेन को हफ्तों के एक दिन रीवा से अमृतसर के लिए चलाया जाए। और इस पत्र को फॉरवर्ड किया गया सतना के जो माननीय सांसद हैं श्री गणेश सिंह जी को, रीवा के जो माननीय सांसद हैं श्री जनार्दन मिश्रा जी को, पश्चिम मध्य रेलवे के जो महाप्रबंधक हैं उनको फॉरवर्ड किया गया। इनके अलावा मंडल प्रबंधक
महोदय पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को भी फॉरवर्ड किया गया है। ये मांग रेल यात्री जन कल्याण संघ रीवा के द्वारा की गई है। मांग बहुत अच्छी की गई है, बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि रीवा से अगर किसी को ग्वालियर जाना हो या फिर चित्रकूट जाना हो या फिर बांदा जाना हो या फिर आगरा जाना हो या फिर मथुरा जाना हो, कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, सतना से ट्रेन को पकड़ना पड़ता है, यानी कि रीवा से पहले सतना की यात्रा करनी पड़ती है ट्रेन के माध्यम से। अधिकतर लोग तो बस के माध्यम से ही यात्रा करते हैं। तो रीवांचल जो ट्रेन है उस ट्रेन से महाकौशल ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है ये नहीं हो पाती है, इस वजह से जो यात्री हैं वो सतना बाय बस के माध्यम से ही जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जब महाकौशल लेट होती है तभी वो रीवांचल ट्रेन उसको कवर कर पाती है, अन्यथा रीवांचल ट्रेन से महाकौशल की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हाल ही में मैं जम्मू, मुझे जाना था तो जम्मू जाने के लिए मुझे रीवा से बाय बस प्रयागराज जाना पड़ा था, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन हमारे यहाँ से नहीं चलती। पता नहीं हमारे बिंद के जनप्रतिनिधि इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, एक डायरेक्ट ट्रेन को जरूर शुरू करना चाहिए। हालांकि रेल यात्री जन कल्याण संघ के तरफ से ये मांग बहुत अच्छी है, बिल्कुल ट्रेन को शुरू किया जाना चाहिए रीवा से अमृतसर के लिए। और हम तो रेल यात्री जन कल्याण संघ रीवा जो माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवरांडी जी, हम तो आग्रह करना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि रीवा से अमृतसर नहीं इस ट्रेन को और आगे बढ़ाया जाए, और रीवा से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए इस ट्रेन को शुरू किया जाए जो कि हफ्तों के सातों दिन चले, ताकि हमारे विंध्यवासी भी श्री माता वैष्णो देवी कटरा की यात्रा कर सकें और इस ट्रेन को वाया अमृतसर के रास्ते ले जाया जाए। ऐसे में अमृतसर की जो मांग है डायरेक्ट ट्रेन की वो भी पूरी हो जाएगी और श्री माता वैष्णो देवी और जम्मू की जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे रीवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिख समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत सारे आर्मी के ऐसे जवान हैं हमारे विंध्य से जो जम्मू में तैनात हैं, श्रीनगर में तैनात हैं। डायरेक्ट ट्रेन के ना होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बात कर लीजिए आप मैहर रेलवे स्टेशन की, सतना रेलवे स्टेशन की, मानिकपुर रेलवे स्टेशन की, डबौरा रेलवे स्टेशन की, शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन की एक भी ट्रेन नहीं है इस रूट से जम्मू जाने के लिए या फिर अमृतसर जाने के लिए। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर एक ट्रेन को संचालित करता है जबलपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, और इस ट्रेन को उस रूट से ले जाया जाता है जिस रूट से कटरा जाने के लिए और जम्मू जाने के लिए कई सारी ट्रेनें चलती हैं। पता नहीं ऐसा रूट क्यों डिसाइड किया जाता है। इस ट्रेन को वाया अगर सतना के रास्ते भी ले जाया जाता तो हमारे विंध्यवासियों को भी बहुत फ़ायदा होता, इस विषय पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल आपको बताते चलें, रेल यात्री जन कल्याण समिति की तरफ से हमेशा प्रयास किया जाता है कि क्षेत्र की रेल समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। समय समय पर पत्र के माध्यम से रेलवे को अवगत कराते हैं। तो फिलहाल रीवा से अमृतसर ट्रेन की मांग की गई है, तो अगर रीवा से अमृतसर ट्रेन भी चलेगी तो भी जम्मू जाने वाले यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा, अमृतसर तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो मिलेगी कम से कम। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। फिर अगली वीडियो में बाय।